हाँ जी प्लीज, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद द एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ द ट्रायंगल्स, सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों को, आपको बीपीटी थ्योरम तो पता हो तभी हम काम करेंगे। बीपीटी थ्योरम कहती क्या है? मेरे पास अगर ट्रायंगल की मेरे पास दो साइड्स पे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, सच दैट ये लाइन इसके क्या है पैरेलल, तो 100% साइड की रेशियो क्या होती है? इक्वल। प्लीज आप कुछ नहीं बोलोगे, पहले मेरे को सुनो, ऐसे किसी को समझ नहीं आती। दैट मींस ए बी सी डी ई, मुझे दिया हुआ है डी ई पैरेलल टू बी सी, तो मेरे पास हो गए 100%। मैंने प्रूफ क्या करना है, एड प्रूफ नहीं मींस होता है ये, चलो ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय डी सी। ओके बेटा, क्लियर फर्स्ट रिजल्ट? रणबीर मैंने क्या रिजल्ट बोला बेटा? स्टैंड अप जल्दी जल्दी। आई थिंक बेटा कि अब मैं आप लोगों को डांटू, चल बेटा नेक्स्ट। हाँ जी, क्या रिजल्ट मैंने बोला, कब होता है ये, कौन सी थ्योरम है, जब मर्जी ले ले, कोई कंडीशन नहीं है, क्या कंडीशन है? मैंने तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट बोला ही नहीं। नव्या मैं बार बार कह रही हूं, व्हेन इट इज गिवन कि मेरे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करती लाइन अगर ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल है, तो बेटा उसके साथ में जो रेशियो आ रही है वो आपस में दोनों साइड्स पे रेशियो क्या होंगी। ठीक है, यहां से पता चलता है यू आर नॉट लिसनिंग द टीचर। एक बार नहीं, कम से कम 3 टाइम्स बेटा मैंने रिपीट किया। सिट डाउन बोथ ऑफ यू। हाँ जी डी ई। अब बेटा देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को आई कैन यूज इन अ फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है एमसीक्यू टाइप। इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज रिटन दैट, मेरे पास ई डी पैरेलल टू ए बी, देन दे राइट फाइंड ए सी एंड इट इज रिटन 6 5, दिस इज 4। क्या करोगे सबसे पहले विवान? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास ए ई आएगा, यही गलती होती है। हाँ ए ई वाला आंसर भी दिया होगा, प्लस करना। एक तरीका तो ये है कि बेटा हम लोग उसको प्लस करके बाद में आंसर निकालें, मतलब हम क्या करेंगे, दिस ओवर दिस है ना, यानी 6 ओवर x इज इक्वल टू 5 ओवर 4 मेरे पास जो है, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 4 by 5 is equals to x and you will get the value of x। हाँ जी मैं वही बताने लगी बेटा, वही बताने लगी। एक मेथड तो ये है, एक मेथड ये है कि आप डायरेक्टली इसकी जो क्रॉलरी है, क्रॉलरी क्या होती है कि AD over AB, इधर से AE over ए सी भी इक्वल होता है, या बी डी ओवर बड़ी, मतलब बात यह है अगर इधर से छोटी साइड्स ले रहे हो और एक बड़ी साइड ले रहे हो तो दूसरी साइड से भी छोटी और बड़ी लेने, क्योंकि हम सीधा ही बड़ी ले ले एसी, एसी निकालना है तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। यानी मैं इंस्टेड ऑफ
ये एक्स निकाला, अब एक्स में सिक्स ऐड भी करना करना है ना मेरे को, अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने ए सी निकालना है और मुझे दी कौन सी वैल्यू है, इधर से ई सी वाली, तो मैं इधर से भी फिर सी डी वाली यूज करूंगी, कैसे, ई सी ओवर ए सी, इधर से सी डी ओवर बी सी, ये मैंने निकालना है और ए सी मेरे पास जो मैंने सॉरी सॉरी ए सी निकालना था, ये सिक्स है ए सी और सी डी फाइव और बी सी मेरे पास फोर प्लस फाइव नाइन, अब सीधा ए सी मेरे पास क्या निकलेगा, सिक्स इंटू नाइन बाय फाइव, ओके ये आप पे है। पहला रिजल्ट मैंने आपको बीपीटी का बताया, दूसरा उसकी क्रॉलरी का, क्रॉलरी में क्रॉलरी क्रॉलरी होता है उससे कुछ कंक्लूजन निकालना, नया रिजल्ट निकालना, और वो क्या निकाला कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल है तो आप छोटी रेशियो ओवर बड़ी भी ले सकते हो, तो दूसरी साइड भी वही लेनी है, छोटी ओवर बड़ी साइड, बिल्कुल, अगर पैरेलल गिवन नहीं है तो नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ कई बार पैरेलल डायरेक्टली लिखा नहीं होता बट फिगर में ना ऐसे साइन डाला होता है, वो भी मतलब पैरेलल ही है। हाँ जी, तो फिर क्या हुआ, क्या किसी भी ट्रायंगल की साइड 2.5 6.5 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी तो कुछ भी आ जाए। हाँ जी, नहीं इक्वल का होता है, कई बार हम पैरेलल में भी यूज कर लेते हैं, पता चल जाता है, ठीक है, ये इक्वल तो हो नहीं ना सकती यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ी है या छोटी है, अंडरस्टूड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरे पास हो गए, लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन, हाँ जी बेटा, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द फिगर इट इज गिवन दैट ए डी AD is the bisector of angle A. अगर ये bisector दिया है, that means angle 1 is equals to angle 2 mention है. मैंने थोड़ी सी सीधा बना दी, अगर bisector बनाए तो clear cut ऐसे ही बनेगा. Okay? Now, AC is equals to, they write AC किसके equal है? और मुझे दिया क्या है, ध्यान से देखना, 6 4 12. अब मैं आपको यहां से बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में बता रही हूं, ओके, आपकी बुक में नहीं है, नाइन्थ में करते हो आप बाइसेक्टर थ्योरम, है ना, तो वो भी टेंथ में यूज होके क्वेश्चन आ सकता है, ओके, अब वो बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, मेरे पास हो गए ए बी ओवर ए सी दैट इज इक्वल टू बी डी ओवर सी डी या डी सी, जो मर्जी लिखो, क्या मतलब देखो ध्यान से, जो लाइन एंगल को बाइसेक्ट करती है ना, आपने ये दोनों साइड्स का रेशियो जहां पर एंगल बन रहा है इस वर्टेक्स में बन रहा है ना, तो इन दोनों साइड्स का रेशियो किसके इक्वल होगा, जहां पर जो बाइसेक्टर वाली साइड है जो अपोजिट साइड को मिल रही है, जहां पर बाइसेक्टर मिल रहे बी डी और सी डी, ये इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, कई बार बाइसेक्टर एक्सटर्नली भी डिवाइड करता है, वहां पर भी कॉन्सेप्ट यही लगता है, ये क्या कर रहा है बाइसेक्टर, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, हाँ जी, एक्सटर्नली मतलब ये लाइन अंदर ना होना बाहर होना, ओके, वो कहां डिवाइड करेगा, बाहर साइड पे जाकर, कॉन्सेप्ट वही होगा हमारे पास, वो भी बताऊंगी मैं जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये देखिए, अगर ट्रायंगल ऐसे है, सपोज ये ट्रायंगल है, मैंने कहा ये एंगल का बाइसेक्टर जाके मीट करता है, ठीक है, कोई दो साइड दे दी, तीसरी साइड निकालने को कह दी, मान लो मुझे ये 4 3 ये 6 और ये कैलकुलेट करने को कह दी,
बाइसेक्टर दिया है तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, अगर ये पी क्यू आर ये एस है तो मैंने आपको पहले ही बोला यहां से स्टार्ट हो रहा है ना बाइसेक्टर वर्टेक्स से, तो एंगल कंटेनिंग द टू साइड्स दैट मींस पी क्यू ओवर पी आर दैट इज इक्वल टू क्यू एस ओवर आर एस। सबको पता चला बेटा ये एस पी इस पी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बिल्कुल वहां लिखा होगा एंगल, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है पी एस डिवाइड्स एंगल पी, तभी पता चलता है। ये नहीं है इक्वल पार्ट्स में, आपके सामने देखो अगर इक्वल पार्ट्स में होता ये फोर और ये फोर ही होता, मैंने तो यहां लिख दिया ये फोर और थ्री। ओके इज इट क्लियर। तो यहां पर अच्छा इस क्वेश्चन में वैल्यू कैसे निकालेंगे एसी की, हाँ जी सिक्स बाय एक्स इज इक्वल टू फोर बाय ट्वेल्व, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आई दैट इज सिक्स इंटू थ्री एटीन सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट दिया हो। मन्नत नॉट अटेंटिव बेटा, बात समझ आई बेटा, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए। इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एस टी पैरेलल टू क्यू आर थ्री टू थ्री फाइंड पी एस, क्या करें? हाँ जी बिस्मन बिल्कुल सेम है बीपीटी थ्योरम, लेकिन ट्रायंगल क्या दे दी उल्टी, तो क्या करेंगे? सोचना नहीं, वहां इतना टाइम नहीं होना कि हम ट्रायंगल को सीधी करें जी, ये करें जी, वो करें, ठीक है? सीधा मेरे पास हो गए बेटा टू बाय थ्री थ्री बाय एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू नाइन बाय टू फोर पॉइंट फाइव। अब उसने पी एस निकालने को कहा था, उसी को एक्स लिया मैंने, समझ आ गई? चलो नेक्स्ट फिगर जो गए, इन द ट्रायंगल पी क्यू आर इट इज रिटन देयर। अब ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। ई एफ पैरेलल टू क्यू आर पी ई फोर ई क्यू 4.5 एफ आर 9 फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर। हाँ जी दक्ष को बताने दो बेटा, विवान बताओ दक्ष, और पहले लिखेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, बताता है नहीं कुछ। पी एफ दक्ष बोल रहा है पी एफ, ना तो पी एफ पता है ना पी आर पता है पूरा, ये निकालना एक्स नाइन फोर फोर पॉइंट, आप क्रॉलरी भी सीधा लगा सकते हो। ओके एक्स इज 9.5 आंसर इज, ये एक्स निकला है, निकालना क्या था हमने पी आर, दिस इज 8 8 प्लस 9। अब सबको समझ आ गया ये, अब ये दोबारा तो ना कराओ,
चलो एक और क्वेश्चन, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. इन द ट्रायंगल ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्टिंग बी सी एट डी. इफ ए बी सिक्स, बी डी इज फोर, डी सी इज थ्री, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी. एक सेकेंड, ऐसे नहीं. चलो बेटा परिणाम नहीं, संयम. सीधा वैल्यू बोला करो अब. वेरी गुड. सिक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू, पता चल गया ना? अब गलत तो नहीं करोगे? चलो अब अगला, वैल्यूज निकाल लेना खुद. अब जरा देखिए, द डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. द डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम के डायगोनल्स हैं दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. सी ओ इज टू, ए ओ इज फोर, डी ओ इज थ्री, और बी ओ कैलकुलेट करना है. मैंने आगे भी आप लोगों को ये बताया था, ये फंडा याद रख लीजिए कि अगर ट्रेपेजियम है तो उसके डायगोनल्स जो है वो प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करते हैं, प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करते हैं. तो दैट्स व्हाई मेरे पास हो गए ये रिजल्ट, आपको याद रखना ही रखना है. अब रखने का तरीका आप जैसे मर्जी लर्न कर लो, चाहे इधर से डायगोनल शुरू हो जाओ या इधर से हो जाओ, डजंट मैटर. अगर पहले मैंने इधर से लिया डी ओ ओवर बी ओ इज इक्वल टू इधर से, अगर कोई बच्चा इधर से शुरू करता है ए ओ ओवर ओ सी इज इक्वल टू, फिर यहां सही करना है इधर से नीचे से तो इधर से, अगर इधर से ऊपर से तो, बस ये याद रखना. ये देखिए, अब डी ओ थ्री, बी ओ एक्स, सी ओ और ओ ए, कैलकुलेट इट एंड गेट इट. चेक करो बेटा सिक्स आएगा. नव्या को ना करके दिखा देते हैं. क्योंकि कैलकुलेटिव मिस्टेक है बेटा आपकी, इसीलिए आपका 1.5 आए. ओके जी, दक्ष आपकी भी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, डोंट वरी. फिर मत बोला करो बेटा. चलिए अब नेक्स्ट, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम. ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम सच दैट ई एफ पैरेलल टू ए बी. नाउ अगर ए ई ओवर ई डी की रेशियो 3/2 है, देन फाइंड एक्स. अब ये भी आपने क्वेश्चन किया हुआ है मेरे पास,
सिंपल, अगर ट्रेपीजियम में एक साइड है जो किसी एक साइड के भी पैरेलल है, जो किसी एक साइड, तो कुछ नहीं देखना, दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, बस सिंपल। ओके जी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2/3 एक्स बाय एक ही बात है, अगर मैंने ए ई ओवर ई डू ई डी दिया है, वो रेशियो दिया, एक्स एक्स ले लोगे, जब आना है तो कटिंग ही हो जानी है, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा बेटा हमें, ठीक है जी। एक्स इज ओके जी, अब आपने सबसे पहले आज कितने रिजल्ट्स लर्न किए, सबसे पहले बीपीटी, फिर बाइसेक्टर थ्योरम, फिर मैंने आपको करा क्रॉलरी ऑफ बीपीटी, बच्चे भी देखते होंगे क्लास है, फिर हमने रिजल्ट किया अगर ट्रेपीजियम में एक साइड बीच में पैरेलल गए तो उसकी साइड्स की रेशियो भी क्या होती है, इक्वल होती है, यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। अगर मुझे क्वेश्चन आता ना तो तब मुझे पता क्या करना पड़ना था, इसको ज्वाइन करती, यहाँ पर बीपीटी लगाती, फिर ऊपर वाली ट्रायंगल में बीपीटी लगाती, दोनों को क्या करती, इक्वेट करती, तब जाके आंसर निकलना था। बट अब आपने पेपर में वो चीज नहीं करनी, सीधा आपको बता दिया कि अगर किसी ट्रेपीजियम में बीच में कोई भी साइड है, वो साइड कहां पर भी हो, चाहे यहां यहां कंघी पे भी हो, तो उनकी साइड्स की रेशियो हमेशा, प्रोवाइडेड वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए किसी एक लाइन की, हाँ, क्योंकि एक साइड के भी पैरेलल होगी, वो दो आपस में पैरेलल हैं, तो थर्ड साइड भी क्या हो जाएगी। ओके जी, बात समझ आई सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो गए मेरे पास, एक क्वेश्चन ऐसा भी हमारी एनसीईआरटी में था, ये फिगर थी, ध्यान से देखना, काइट टाइप फिगर थी, इसमें ये क्या कहा गया था, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है ना, फिर यहां पर ये साइड दे दी, ये साइड दे दी, ये अननोन है, ये दे दी, तो यहां पर भी कुछ नहीं सोचना, क्या करना है, देश ओवर देश, देश ओवर रिजल्ट याद रखना है। ओके जी, थैंक गॉड। अब यहां पर बीपीटी और मैंने जो है बाइसेक्टर का जो है मैंने बता दिया, अब नया, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, अब मैं आज बीपीटी के रिलेटेड एक असाइनमेंट डालूंगी, ठीक है, आप ट्राई करोगे, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स का, अब कौन सा क्राइटेरिया है, ठीक है, अब आपने रिजल्ट्स याद रखने हैं, सिमिलैरिटी किस किस क्राइटेरिया से हो सकती है, क्योंकि हमें ये वो पूछ सकते हैं। ओके, तो फॉर दैट पहला क्राइटेरिया मेरे पास है एंगल एंगल एंगल, या इसको एंगल एंगल क्राइटेरिया, यहां तीन एंगल्स इक्वल है, वहां दो, जहां दो हो जाएंगे तीसरा अपने आप इक्वल, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया मेरे पास है एस, क्या सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए,
रेशियो प्रोपोर्शनल. ओके जी, दैट मीन्स अगर ए बी सी ट्रायंगल है और पी क्यू आर है तो मेरे पास That means AB over PQ equals to AC over is equal to BC over ये सारी sides की ratio same होगी. Sides की ratio same. Ratio word बोल दिया तो वो same. ठीक है जी. Next मेरे पास हो गए. Next criteria है side. इट्स मीन्स कोई दो साइड्स की रेशियो इक्वल. कोई दो साइड्स की और बीच वाला एंगल भी क्या होना चाहिए इक्वल. दैट मीन्स अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है तो यहां पर ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू एसी नहीं आएगा. ओके जी, तभी हम साइड एंगल साइड से ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं. अब बेटा एक मेरे पास है आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड. ओके जी, एक एंगल हो गया और बाकी जो हाइपोटेन्यूज और साइड की रेशियो सेम होनी चाहिए. ओके जी, क्लियर. अब मुझे बताइए अभी तक हमने क्या लर्न किया. ऐसा नहीं